ए चलो छोटी की खिलौने वाली रिक्शा ले लो, बच्चों के साथ बड़े भी खेलो। ए चलो ले लो बुरबुर करती रिक्शा ले लो। बाबा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बुरी गत की, तेरा रोज का नाटक है, यही हरकत करता तू स्कूल जाने का टाइम। देख मार मत का, अगर मैंने हाथ छोड़ दिया ना बेटा तो बहुत से बालूंगा मैं। चल सीधे। नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चल सीधे। रोज की दाती है, रोज की दाती। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सुन सुन के मेरे कान पक गए। आए मोटे ढेकले। चल चल, वो मास्टर को भी बोलता मैं रोज स्कूल जाने का टाइम ये जाती कर। बाप को गिरा के भाग क्या है? कितना टाइम हो रहा है स्कूल को, क्या खेल खेल रहा तू? बाबा मैं रिक्शा लूंगा। मेरे बाप रे बाप। देख बेटा यही कर रहा, वो यही कर रहा बेटा मेरे साथ में। पूरे रास्ते से कहीं मेरे को बोला लॉलीपॉप दिलाओ, कैडबरी दिलाओ, कुल्फी दिलाओ। खा खा के बेटा ऐसा बड़ा रटका बना लिया, फिर भी मान नहीं रहा। ऐसे उपकारा लाइन से रहे, लाइन से रहे। रख रहे, रख रहे, तोड़ डालेंगे रे ना। रख रिक्शा। बाबा मैं रिक्शा लूंगा, मैं पैदल नहीं चलूंगा, मैं रिक्शा में जाऊंगा। अरे मेरे बाप रे बाप। अरे तेरे वजन से वो टिकेगा क्या रे? अरे धड़पड़। अरे हत्ती के बच्चे, अरे वो तेरे लायक है क्या रे? अरे वो बच्चों का खेलने वाला है रे, बोल ना बेटा तू। नहीं मेरे को रिक्शा ही चाहिए, मैं रिक्शा में जाऊंगा। अबे माय गॉड, मैं रिक्शा में जाऊंगा, रिक्शा में जाऊंगा, रिक्शा में जाऊंगा। अरे अरे क्या कर रहे मेरे बाप, मेरे बाप रे बाप। देखी ना बेटा छोटी। अरे डर रहे चीचा, ऐसे बच्चे लोग फेंक देते, तुमने पाल लिए अब भुक तो। सुन ले बेटा क्या क्या बात सुनना पड़ रहा है तेरी वजह से। बजियत करा रहा मेरे को तू, लाइन से खड़े रहे, लाइन से खड़े रहना। तो मेरे को रिक्शा लेके दो ना। अरे क्या करेगा रिक्शा लेके? मैं रिक्शा लेके स्कूल में जाऊंगा, मेरे पैर दुखते ना। अरे बुरे गत के, तेरे लिए रिक्शा नहीं जैसी भी लगेंगी, तू कैसे बैठेगा इसमें, तेरा हाथ भी नहीं जाएगा। नहीं मैं बैठ जाऊंगा रिक्शा में। अरे कैसे बैठेगा रे, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहे उसपे, इतना बड़ा उस पे बैठ जाएगा हत्ती का बच्चा। नहीं मैं रिक्शा में जाऊंगा, मैं रिक्शा लूंगा। तेरा मुंह बंद कर मेरा। ए तुम दोनों बाप बेटे के चचन ना उधर जाके करो, लेने का होगा तो लो, नहीं तो छूटो और सुबह में उठो। अरे बेटा बहुत उपका डालेगा, कितने का है बोल? 100 रुपए की है। तू भी अच्छा फायदा उठा रही बेटा, लूटने के धंधे कर रही लोगों को। कर ले बेटा कर, जो खेल खेलना। इधर देख मत, ले बेटा। तेरे कौन सी ले रहा? ये वाली। ए जेटी इसमें पेट्रोल तो है ना? नहीं रे बैटरी पे चलती वो। बैटरी वाली चार्जिंग तो है ना इसमें? हाँ है। चार्जिंग तो है ना इसमें? स्कूल को टाइम हो रही, चल चल सीधे चल। चल मामा आप उन दोनों पैदल क्यों चल रहे, मेरे पैर दुख रहे ना। अपने पास रिक्शा है ना, आप उन रिक्शा पे जाएंगे, रिक्शा में बैठेंगे। अरे क्या कर रहे? अरे भाई इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? अरे कोई है क्या, मेरी मदद करो। अरे जय हाँ बोलना वीरू, वो देख अगो टिकरा अंधा आ रहा, चल उसकी मजा लेते। मेरे को है ना रिक्शा स्टॉप तक पहुंचा दो। ए मुंगला दादा रुक, हम लोग तेरे को रिक्शा स्टॉप तक छोड़ देते। अरे कौन है भाई? अरे मुंगला दादा, हम जय और वीरू है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये दौर में ना तुम जैसे अच्छे लोग है बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। चलो चलो छोटी की खिलौने वाली ऑटो ले लो, चलो जल्दी आओ। मुंगला दादा ये देखो तुम्हारा रिक्शा स्टॉप आ गया। अरे यहाँ तो लेडीज की लाली कॉर्नर की खुशबू आ रही। हाय
चूड़िया की खन खन की आवाज आ रही। अरे बुंगला, तू हसीनाओं के मेले में तो नहीं पहुँच गया? अबे वो चीचोरे अंधे, ज्यादा टपोरी चाले कर रहा क्या? अबे इससे देखो, ऊपर वाले ने नस देख के नस्तर मारा रे। अभी नहीं दिख रहा तो ये हाल है, दिखता तो क्या मालूम क्या करता था। अरे भाई, हम तो मजबूर इंसान है। ये रिक्शा स्टॉप है क्या? मैं बोला देखू ये रिक्शा स्टॉप है। अरे ये गाँव के जो जय वीरू है ना, उन्होंने ला के छोड़े। अबे ये खिलौने की रिक्शा की दुकान है। अरे मेरे बाप रे बाप, इसका मतलब वो जय वीरू ने मेरी मजा लिए। दो छोड़ो, तुम्हारी बात से ऐसा लग रहा ना, तू बहुत अच्छी लड़की हो। ये रिक्शा कितने की दी है? 2 रुपए की। जरा बताएंगे? ले देख। कितनी अच्छी रिक्शा है ना। अबे तेको तो देखते थे, मैं समझ गया तू बहुत बड़ा पाखंडी है। मेरा कमाल पकड़े गया। रुक, अब तू गया बेटा। मैं पहले ही समझ गई थी कि तू नकली अंडा है। मैं करूंगा ना। ए भैया अब्बा, ये चलती हो गई ना। ए बुआ, छोड़ दे ना। ए मौसी, अरे मेरे बाप। अरे वाह रिक्शा, मैं रिक्शा छुड़ाऊंगा और रिक्शा से खेलूंगा। चलो छोटी की खिलौने वाली रिक्शा ले लो। क्या छोटी, ऐसा मारी मेरे भाई को? तू भी जमीन पे आड़ा गिरा गिरा के, अरे उसका पूरा आंग दुखड़ा। कोई बच्चों को ऐसा मारता क्या? तेरे लाड साहब ने क्या करा वो नहीं बताया क्या? अरे तू क्या बताएंगी, अरे ये बाबू का भाई है, पूरा महिला नाम निकालता। सब बोलते तेरा भाई बहुत सीधा है, ईमानदार है, और तू क्या इल्जाम लगा रही उस पर? ऐसा, अबे जितना नाटा है ना उतना घोटा है। एक नंबर का भंटा और चोटा है। इस चोटे ने क्या करा मालूम? मेरी रिक्शा चुरा लिया और देख इसकी क्या हालत करा। बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, अब ये रिक्शा ले तू डेली और 100 रुपए रख। क्या 100 रुपए? मेरा तो तू भी मार खा रहा। देना पड़ेंगे तो ये ले, ला ये ले पकड़ और चल चल बेटा। अबे बहुत हो गया उसका, साफ पानी तो सर के ऊपर हो गया। आज तो उसका कुछ भी कर ही के रहूंगा मैं। अबे बहुत सबर की जिंदगी जी लिया मैं, अब सबर के बाहर हो गया मैं से। बस आज तो कोई भी कीमत पे फैसले ही होगा। क्या छोड़ी, कितने का दी ये रिक्शा? 100 रुपए की है। अबे जरा हिसाब में बोल, समझी ना, आज मेरा दिमाग बरोबर है नहीं, मैं बता दे रहा। अबे तेरे पास दिमाग है क्या जो खराब होगा? बोले दिमाग है क्या तेरे पास? तू भी मेरे को एड़े में निकाल रही, वो मेरी घर वाली भी मेरे को एड़े ही समझती। अबे क्या करना मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी आज तो फैसला हो के रहेगा कोई भी कीमत पे। कितने का देरी खाली ये बोल? 100 रुपए की है। अबे तू भी जरा हिसाब से लगा। अरे मैं बहुत परेशान आदमी है, बहुत मजबूर है मैं, पैसे पैसे को तरस रहा मैं, मगर कोई मेरे ऊपर तरस नहीं खा रहा। ए भैया, यहाँ का रोरा धोरा मेरा धंधा बिठा देगा क्या? अबे मेरी मजबूरी को कोई समझने वाला नहीं है। हाँ? अरे गंदे अंडे, यहाँ का चीटे उड़ा रहा रे। अरे तेरी कटकट बंद कर और सीधे से बता, क्या भानगड़ है तेरी? मेरी घर वाली खाली लड़ाई कर रही हफ्ते भर से मे से। अरे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गई। अभी तो क्या रट लगाई उसने मालूम क्या तेकू? बोले जैसे दुल्हन बना के रिक्शे पे लाए थे ना, वैसी रिक्शे पे बैठा के मेरी माँ के वहाँ छोड़ के आओ। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अरे
बुरी गत के मगर यही रिक्शा क्यों लग रही देखू। अरे छोटी मेरी मजबूरी है ये रिक्शा लेने की। क्या मजबूरी है? आज अपने गांव में ना रिक्शे की हड़ताल है, तो मैं क्या करूंगा मालूम, ये रिक्शा ले जाके उसके हाथ में रखूंगा और उसको पैदल उसकी माँ के वहाँ छोड़ के आऊंगा। हाँ।